अस्सलाम वालेकुम, बखैर आगले, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग सना हेल्दी लाइफ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक इंडियन रेसिपी है और इसका नाम है रसबली। ये एक मीठी रेसिपी है और ये हमारी पाकिस्तानी जो रस मलाई है इससे मिलती जुलती रेसिपी है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप व्यू कर सकते हैं कि हमने 1.5 लीटर जो है वो दूध लिया है, जो कि फुल क्रीम मिल्क है, और इसे हम कुक कर रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी, जो कि है 1/2 कप। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी जो है इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमने अब शामिल किया है सब्ज़ इलायची का पाउडर, जो कि है 1/2 टीस्पून। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मोटे पीसे हुए बादाम। हमने अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लिया है, जो कि है पनीर कॉटेज चीज़, जिसे हमने घर में बनाया है 1 लीटर दूध से। ये तकरीबन 1 कप के करीब कॉटेज चीज़ है। और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो है ये ब्रेड क्रम्ब ऐड किया, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ड्राई मिल्क पाउडर, जो कि है 1 साशा। व्यूअर्स, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारा बचा हुआ ब्रेड क्रम, जो कि तकरीबन है 2 स्लाइसेस का ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम ऐड करने का और ड्राई मिल्क ऐड करने का मकसद यही है कि जो हम इसकी बना रहे हैं मलाई वो जल्दी रेडी हो जाए। और ये आप यूँ कर सकते हैं कि हमने जो कॉटेज चीज़ और ब्रेड क्रम को ऐड किया था, उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं, और अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे देसी घी में। जैसा कि आप यूँ कर सकते हैं कि हम जो ये अपनी कॉटेज चीज़ की और जो क्रम किया हुआ जो हमारा मिक्सचर था ब्रेड क्रम, उसको मिक्स करके जो हमने टिक्कियाँ बनाई थी, हम इनको जो है वो शेल्फ फ्राई कर रहे हैं तभी पे। और हमने क्लैरिफाइड बटर यूज़ किया है, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हमने यूज़ किया, हमने इसको बहुत डीप फ्राई नहीं किया। और गोल्डन होने के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे और इसे गर्म गर्म ही उसमें ऐड करेंगे। क्या व्यू कर सकते हैं कि हमने अपनी जो रस पे लिया है इनको रेडी कर लिया है, शेल्फ फ्राई करके डिश आउट कर लिया, और अब हम इसे ऐड करेंगे। तो बस अब हम इसमें ज़ाफ़रान जो है जो दूध में मिक्स करके हमने रखा था उसे हम ऐड करें। क्या व्यू कर सकते हैं जो हमने अपनी रसबली की जो हमने रबड़ी बनाई है, जिसे बलाई मलाई भी कहा जाता है, ये रेडी हो चुकी हुई है, और अब हम इसे जो है उस पर पोर करेंगे जो हमारी रसबलियाँ बनी हुई हैं। फाइनली आप यूँ कर सकते हैं कि हमने अपनी जो रबड़ी मलाई बनाई हुई थी, उसे हमने अपनी जो बलियाँ बनाई हुई थी रसबलियाँ, उनके साथ असेंबल कर दिया है। और लास्ट में हमने जो सिल्वर लीव्स हैं उनके साथ इसकी गार्निशिंग की है, और साथ हमने बादाम पीस कर ऐड किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम। स्टे हेल्दी विद सना हेल्दी लाइफ। अल्लाह निगेबान।